नमस्कार दोस्तों, मैं कवि आजाद शत्रु एक बार फिर आपके बीच में हूँ कॉमेडी के संग। साथियों, जीवन में छोटी छोटी बातों का अपना महत्व है। उन छोटी छोटी बातों को अगर आप संभाल के रखते हैं तो जीवन खुशहाल बन जाता है। हम उन्हीं छोटी छोटी बातों के बीच के इर्द गिर्द से गुजरते हुए ज़िंदगी में खुशियों की तलाश करते हैं। मुझे तो याद है पिछले दिनों जो कोरोना का माहौल चल रहा है, इस कोरोना के माहौल में मैंने सबसे एक हिदायत दी, जिन जिन को कोरोना वायरस से डर लगता है या जिन्हें कोरोना वायरस हो गया है, वो सिर्फ एक काम करें, टेलीविज़न चैनल देखना बंद कर दें, अखबार में न्यूज़ पढ़ना बंद कर दें, सिर्फ दिल्ली दूरदर्शन देखें, क्योंकि वहाँ ये बताया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है कि गोबर से खाद कैसे बनाई जाती है। हम जिन समस्याओं को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं वही समस्याएं हमारे दिमाग पर असर करती है, और जो चीज़ हमारे दिमाग पर असर करती है वो हमारे शरीर पर भी असर करती है। इसलिए पहले दिमाग का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, और अगर दिमाग को तंदुरुस्त रखना है तो आप कुछ मत कीजिए, कॉमेडी के संग ये चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इंसान के डर कभी खत्म नहीं होते, इंसान के डर कभी खत्म नहीं होते, पहले आपको उन डरों को खत्म करना पड़ता है। मैं एक चीज जानता हूं अच्छे से, दुनिया में चप्पल से बड़ा कोई कपल नहीं, दुनिया में चप्पल से बड़ा कोई कपल नहीं। एक के खोते ही दूसरे का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर किसी को आशीर्वाद भी देना है तो यह आशीर्वाद दीजिए, चप्पलम भवती, आपका जोड़ा जो है वो चप्पल की तरह, दोनों सुरक्षित रहें और आपका दाम्पत्य जीवन ऐसे चलता रहे जैसे चप्पलों का चलता है। पिछले दिनों एक डॉक्टर ने मुझे बड़ी अच्छी जानकारी दी। वो जानकारी ये थी कि पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक के बीच में जो टोल नाका पड़ता है उसी का नाम हॉस्पिटल है। एक अंधा आदमी आर्मी में भर्ती होने गया। मेजर ने पूछा कि तुम क्या करोगे, तुम तो बिल्कुल अंधे हो, मैं तुम्हारा क्या काम लूंगा यहां पे। अंधा बोला, आप अंधे को हल्के में मत लीजिए साहब, मैं अंधा हूं, अंधाधुंध फायरिंग करूंगा। अच्छा, दूसरी लहर का जो पिक था तो हॉस्पिटल में कमरे नहीं मिलते थे, और अब हालत यह है कि होटल में कमरे नहीं मिलते, सब भरे हुए हैं, जिधर देखो उधर भरे हुए हैं। हे ईश्वर, हे प्रभु, तू कृपा बनाए रखना। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें निकलती है। हम भारतीय लोग जो हैं वो एक ही शब्द में काम कर देते हैं, कई बार तो संकेतों में काम कर देते हैं, हम शब्दों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। हमारे पास तो कुत्ता भगाने का मंत्र है, कुत्ता भगाने का मंत्र, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, धुर धुर बस काम हो गया, कुत्ता भाग जाएगा। लेकिन कुत्ते को पास बुलाने का भी मंत्र हमारे आता है। कुत्ता पास बुलाने का मंत्र है तू 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 तू, बस एक ही शब्द को आप बार बार बोलते रहिए, कुत्ता पास आ जाएगा। ये दो चार मंत्र आप याद रखिए। हम कोई अमेरिकन की तरह नहीं है कि किसी को कमरे से बाहर निकालना हो तो हम कहेंगे गेट आउट। दो शब्द भी क्यों खराब करें, अगर हमें किसी को कमरे से बाहर निकालना है तो भारतीय तो एक शब्द में काम कर देगा, वो सिर्फ ये कहेगा बर्फ, काम हो गया। इसलिए कहता हूं पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर 70% काम जो हैं वो या तो संकेतों से किए जाते हैं या कम शब्दों में, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों में हमारा जीवन है। जैसे कि हमारे यहां पे जवान लड़का अगर बिना कुछ बोले 4 दिन तक लौकी की सब्जी चुपचाप खा लेता है तो उसका बाप समझ जाता है कि अब यह बच्चा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए तैयार हो गया है।
वैसे ऐसा कहा गया है कि स्त्री और मिस्त्री दोनों एक जैसे होते हैं, अगर इनको खुश नहीं रखो तो घर बिगाड़ कर रख देते हैं। हर पत्नी अक्सर एक वाक्य कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और पति चुपचाप ये कहता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जीवन में आनंद भी बनाती है और उनके अर्थ बड़े गहरे होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, भारत दुनिया का पहला देश है जहां पे गुस्से का इजहार करने के लिए दरवाजा जोर से बंद किया जाता है। अगर दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया है तो समझ लीजिए कि गुस्से से तम 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 आ रहा है दरवाजा बंद करने वाला। तो सिर्फ संकेत से काम हो जाएगा, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटा था, कभी कभी हमारे घर पे मेहमान आ जाते थे, मेहमानों को अलग रूम में बिठाया जाता था जहाँ पे चार कुर्सियाँ लगी है, बीच में एक टेबल रखी हुई है। हमारी माँ चुपके से हमें साइड से बुलाती और कहती, बेटा बाजार से बिस्किट का पैकेट ले आओ। हम बिस्किट लेके आते, इधर माँ जो थी वो रसोई में स्टोव जलाने लगती, स्टोव उस पर चाय चढ़ा दी जाती और कुछ देर के बाद में वो चाय, नमकीन, बिस्किट्स मेहमानों के सामने रखे जाते। हम देर तक किवाड़ के पीछे छुप के यह देखा करते कि कब ये मेहमान जाए, क्योंकि हमारी निगाह उन बिस्किट्स पे होती थी जो सामने रखे होते। तो मेहमान के जाने का इंतज़ार करते ताकि हम उस बिस्किट्स को खा सकें। यह है कि आपका ध्यान किस में है, और ये वो चित्र है, जिसने उस बिस्किट्स को खाना सीख लिया वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर गया। मेहमान कई बार जाते हुए हमसे पूछ लेते थे, बेटा आगे का क्या सोच रखा है, और हमारा एक ही जवाब होता, अगर आप 10 रुपये देकर जाएंगे तो चिप्स खाऊंगा और 50 रुपये दे के जाएंगे तो आइसक्रीम खाऊंगा। एक शोध से पता चला है कि जो बच्चे क्लास में बिस्किट को बिना आवाज किए मुंह में पिघला कर खा लेते हैं, वही बड़े अफसर बनकर लाखों के घोटाले करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने कहा ना छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें, अक्सर लोग कहते हैं मैं किस मुंह से तुम्हारी तारीफ करूं? अरे भाई रावण है क्या, दशानन, कितने मुंह है, एक मुंह दिया है भगवान ने, अच्छे से कर ले तारीफ। मैं किस मुंह से तुम्हारी तारीफ करूं, उसी से कर। एक बहुत जरूरी बात, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सिगरेट मत पीजिए, क्योंकि सिगरेट कभी एक्सपायर नहीं होती, उसे पीने वाला एक्सपायर होता है। हनीमून पहले मनाते आजकल, शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। हनीमून पहले मनाते आजकल, शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। 5 महीने ही तो पाणी ग्रहण के हुए, लो डैडी बन जाने का रिवाज चल निकला। तन को छिपाने के लिए ही तो ये कपड़े हैं, बदन दिखाने का रिवाज चल निकला। इलू इलू बोल कर, चुम्मे से टटोल कर, झुंझुना बजाने का रिवाज चल निकला। हर व्यक्ति दुखी है, कोई आपको यह नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूं। कौन कौन दुखी है? पत्नी दुखी पति से, पति दुखी प्रेमिका से, प्रेमिका दुखी पिता के पौरुष महान से, पिता दुखी पुत्रियों के हालचाल देखकर, पुत्रियां दुखी मिले गरीब खानदान से। कोई महलों में दुखी, कोई सड़कों पे दुखी, दुखी कोई अपने किराए के मकान से। हूट होने वाला कवि श्रोताओं से दुखी हुआ, संयोजक दुखी कवियों की खींचतान से। आइए साथियों, मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ, सावन की रिमझिम का गीत, सावन के बादलों का गीत, सावन की बारिश का भी गीत, बारिश में भीगा हुआ एक गीत सुनाता हूँ, सावन की मस्ती का गीत सुनाता हूँ, आप भी आनंद लीजिए। हर तरफ बारिश का मौसम है, इसमें आप भीतर से भीगिए और खुद को भी आनंदित कीजिए। सावन पे गीत।
रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में, तन भीगे मन भीगे सारा ये मधुबन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, कोरोना के बाद घुमड़ कर ये बादल जो आया है, कोरोना के बाद घुमड़ कर ये बादल जो आया है, इस बादल को देख देख कर सबका मन हर्षाया है। सांसों से सांसों में अब ना हो कोई अनबन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। पेड़ों ने डाली से पूछा, डाली ने हरियाली से, सावन की बूंदों ने पूछा हे झीलों की प्याली से। पेड़ों ने डाली से पूछा, डाली ने हरियाली से, सावन की बूंदों ने पूछा हे झीलों की प्याली से। नदियां को कैसा लगता है लहरों का चुंबन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। जिधर देखो उधर पानी, गलियों चौराहों नुक्कड़ पर जित देखो उत पानी है। नानी कहती थी बचपन से ये पानी तूफानी है। गलियों चौराहों नुक्कड़ पर जित देखो उत पानी है। नानी कहती थी बचपन से ये पानी तूफानी है। कागज की नैया संग बहता सपनों का क्रंदन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। लहराती बलखाती नदियां हिचको लेखा जाती है। लहराती बलखाती नदियां हिचको लेखा जाती हैं। अलहड़ सी मस्तानी लड़की होले से शर्माती है। नयनों की खिड़की से झांके मौसम का यौवन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। और हंसते हुए मुझसे विदा लीजिए। छेल छबीली रंग रंगीली तन गीला मन गीला है, भूले से आश्रम मत जाना बाबा बड़ा रंगीला है। छेल छबीली रंग रंगीली तन गीला मन गीला है, भूले से आश्रम मत जाना बाबा बड़ा रंगीला है। कुटिया में डेरे में छल जाएगी तू जोगन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। तन भीगे मन भीगे सारा ये मधुबन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में। तो दोस्तों हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जिंदगी के गीत गुनगुनाते रहिए। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.